योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को संभल में हेल्थ महकमा ही पतीला लगा रहा है। आरोप के अनुसार एक हेल्थकर्मी ने जहां मेडिकल को आए बच्चे के तीमारदार से 200 रुपये वसूल लिए, वहीं 2000 रुपये न मिलने पर घायल का घंटों मेडिकल नहीं किया गया। हेल्थ कर्मियों के नकारापन की तस्वीर संभल जिले की गुन्नौर CHC से सामने आई है, जहाँ फौजीदार में घायल बच्चे को थाने का होमगार्ड मेडिकल को लेकर आया। आरोप है कि इस बीच एक हेल्थकर्मी मेडिकल करने के बदले बच्चे के भाई से 200 रुपये वसूल ले गया, फिर उससे 2000 की डिमांड और कर दी। मजरूम ने कहा कि मेडिकल कर दो, कल गेहूँ बिक गए हैं, घर से रुपये मंगा रहा हूँ, मगर 2000 रुपये पूरे ना मिलने पर डॉक्टर ने मेडिकल नहीं किया। घायल करीब 2.5 घंटे तक तड़पता रहा, बाद में जमकर शोर शराबा मचा। मेडिकल को जिम्मेदार MOIC ने जहां 200 रुपये वसूलने वाले हेल्थ कर्मी के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल ये है किसने 200 रुपये वसूले, किसने 2000 और मांगे, क्या अपनी CHC पर रिश्वतखोरी के खेल के MOIC कम जिम्मेदार हैं? ठीक डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले CHC में झगड़ा हुआ था और जब हम लोग देख रहे थे उसकी वीडियो कवरेज करते, करीब आपके सामने 10 मिनट तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एक तरफ CHC के फार्मासिस्ट थे, दूसरी तरफ एक मरीज का तामीरदार था, तो वहाँ करीब बात जूता मारने को लेके, गाली गलौज को लेके, ठीक आपके पीछे आप उस कैमरे में भी थे, तो ये घटना का क्रम क्या था सर? ये जो घटना हुई, कोई एक मरीज आया था और वो अपना बच्चा मुझे दिखा रहा था, तो हमारे एक कर्मचारी थे, वो आए और उन्होंने सिर्फ ये पूछ लिया कि किस वजह से क्या परेशानी है बच्चे को आप दिखा रहे हैं। तो इतनी देर में जो मरीज़ जो बच्चा था उसके पिताजी को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, नाराज़ से हुए, गुस्सा हुए और मेरे जो कर्मचारी थे उससे गाली गलौज करके लड़ाई झगड़ा करने लगे। और उन्होंने बीच में ये कहा कि जब मेरे डॉक्टर साहब से बात हो रही है आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, इस बात पर उनका आपा खो बैठे। उन्होंने गाली गलौज की और उल्टा सीधा बोला और इस कदर वो हावी हुए कि जितने भी हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं उन्होंने वीडियो बना ली, ये अच्छा है, उसकी कार्रवाई के लिए जो मेरे कर्मचारी हैं मैं उनसे एप्लीकेशन लिख के थाने में उनके खिलाफ एफआईआर कर लूँगा। क्या नाम है आपका? ओमपाल। ओमपाल, आप कौन से थाने में कार्य कर रहे हैं? थाना गुन्नौर। अच्छा, ये बताइए, आप कोई मरीज आज जो है मारपीट में घायल हुआ था कोई सरोरा काजी का, उसे आप कहाँ छोड़ के गए थे? अस्पताल में। तो आपने उनके कागज़ दिए डॉक्टर को? डॉक्टर साहब अंदर कागज दिए थे, बाद में डॉक्टर साहब आए थे बाद में, तो उन्होंने दूसरे कमरे में बैठे थे, दो बार उनके पास गया था, बोले अभी आप रुक जाओ, देर लगेगी, थोड़ी देर लगेगी, तुम चलो रहेगा, कोई बात नहीं, एक बार नहीं दो बार गया। अच्छा, जो बड़े डॉक्टर थे वो थे? बड़े डॉक्टर साहब के पास गया दो बार। उनका नाम जानते हैं क्या आप? नहीं, नाम नहीं। अच्छा, जो यहाँ के मुख्य डॉक्टर हैं उनसे बात हुई आपकी? हाँ जी, हाँ जी, उनसे बात हुई। तो उन्होंने क्या बताया आपको? कहा था देर लगेगी, आप रुक जाओ थोड़ी देर, मेडिकल बाद में होगा। हाँ, बाद में। कितने टाइम हो? तो आप चले गए थे? ठीक है, फिर मैं चला गया। जैसे डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हमको इस घायल के बारे में कोई जानकारी नहीं देगी, क्या ये बस सत्य है? नहीं, असत्य है। आप बता के गए? हम बता के गए। कितना टाइम हो गया होगा अब तक? कौन सा उसको टाइम को गए, अभी मुश्किल से आधा घंटा गया होगा। अच्छा, आप यहाँ सरकारी अस्पताल में आए, क्या दिक्कत हुई आपको बताइए? मेडिकल कराने। अच्छा, मेडिकल कराने आए, तो क्या घंटे हो गए आपको यहाँ पर? 2.5 घंटे हो गए। क्या बजे आए थे यहाँ पर? ऐसे आए 9-10 बजे आए। अब कितना टाइम हो रहा है? पता नहीं, 12-1 बजे। 12-1 बजे, तो क्यों इतना लेट क्यों हुआ आपका? ये अभी हुआ नहीं है, क्यों, किस वजह से नहीं हो पाया बताओ? सर, रुपये मांग रहे थे। कितने रुपये मांग रहे हैं? 200 रुपये दे देते थे, 1000 रुपये और मांग रहे थे। अच्छा, तो तुमने कहा नहीं है तो सरकारी अस्पताल में फ्री सेवा होती। क्या नाम है आपका? निकास। निकास, कहाँ रहते हैं? सरोड़ा काजी। अस्पताल आए मेडिकल के लिए? जी, क्या हो रहा है मेडिकल? मेडिकल 2-2.5 घंटे बैठे पड़े सर, यहाँ पैसे के चक्कर, पैसे मांग रहे थे वो। कितने रुपए मांग रहे? 2000। और मैंने बता दिया, मैंने गेहूँ बिके, कल मैं मंगा रहा हूँ घर से पैसे, तो कह रहे मंगाओ, तब तक काम ही नहीं हुआ है, मैं बैठा ही पड़ा हूँ, तब तक आप लोग आ गए। कितने रुपए? कोई रुपए दिया आपने? 200 दिए थे। 200 रुपए दे दिए, वापस दे दिए उनने। वापस भी किसने लिए थे, कोई नाम जानकारी नहीं सर, वो मोटे मोटे जो आदमी है उन्होंने दिए।